झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कोरोना संक्रमण मुद्दे पर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से राज्य के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की मांग की है और इसके साथ ही दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके कारण पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी राज्य सरकार से मांग की है और इसके साथ ही राहुल गांधी अपने आप में कोरोना वायरस से, ये एक विवादास्पद बयान दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। और उनके परिवार के लिए सेवा की प्रतिबद्धता दिखाते हुए मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखने का काम करूंगा। हमारे पास जो कोविड हेल्पलाइन था बीजेपी का, उसमें 21,315 लोगों ने हमसे संपर्क करने का काम किया था और टोटल हॉस्पिटल और बेड्स अरेंजमेंट हम सब लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल थे, उनके प्रबंधन से बात करने के बाद 1230 हॉस्पिटल बेड्स को अरेंज किए, जिसके नाम और सूची हम लोगों के पास है। 130 लोगों तक हम लोगों ने पहुंचने का काम किया। फिर इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो इसके लिए भी पूरे प्रदेश में एक अभियान चला था, उसमें 1030 हम लोगों ने उसमें फ्री मेडिसिन किट प्रोवाइड किए थे हम लोग 1235 लोगों को। फिर हम लोग डॉक्टर्स का पैनल पूरे 2700 जिलों में संगठन के दृष्टिकोण से सभी जिलों में हम लोगों ने तय बनाया था, उसमें 17,105 डॉक्टरों से कंसल्टेशन लोग लिए हैं निशुल्क रूप से। उसी प्रकार फेस मास्क और सैनिटाइजर हम लोगों ने 23,785